गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना। पर हम इस प्रदूषित वातावरण, खान पान वाली चीज़ों में मिलावट होने के कारण हमें ये तीन चीज़ों मिलना मुश्किल हो गया है और आसानी से हमें बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, मोटापा, गैस जैसी समस्याएँ की चपेट में आते हैं। इन सभी रोगों को लड़ने के लिए आयुशांति टेक्सोक्लीन एकमात्र उपाय है, जो शरीर में टॉक्सिन के लेवल को कम करता है और शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर करके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। आयुशांति टेक्सोक्लीन क्या है? कई चीज़ों के मिश्रण से तैयार किया गया, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई वर्षों से लाखों बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। त्रिफला, नीम, हल्दी, चिरायता, स्वर्णपत्री, एक एक करके इन सभी को विस्तार में जानते हैं। त्रिफला का उपयोग प्राचीन काल से चलता आ रहा है। त्रिफला को तीन फलों के मिश्रण से बनाया जाता है, आंवला, बहेड़ा, हरड़। आंवला त्रिफला में आंवला की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डाली जाती है। आंवला शरीर में टॉक्सिन को बनने से रोकता है और शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हरड़, किसी भी आयुर्वेदिक वाली चीज़ों में हरड़ को मिलाया जाए तो वह आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अपना शरीर असर दिखाना शुरू कर देता है। बहेड़ा शरीर में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे शरीर में 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पाचन प्रणाली को अच्छा रखने में मदद करता है। दूसरा है नीम। नीम के पेड़ का हर हिस्सा जैसे जड़, छाल, टहनी, फल, पत्ती का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। नीम शरीर में होने वाली 40 से ज़्यादा होने वाली बीमारियों को ठीक रखने की क्षमता रखता है, इसीलिए आयुर्वेद में नीम को सर्व रोगहारी भी कहा गया है। नीम शरीर में ब्लड एक्यूप्रेशर का काम करता है, खून को साफ करने में मदद करता है, सभी प्रकार के त्वचा रोगों, कील, मुहासों, झाइयों में लाभदायक है। हल्दी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन ए के अलावा एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। हल्दी हमारे शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकलने में मदद करती है। आयुर्वेद में हल्दी को कैंसर जैसी बीमारी के लिए रामबाण इलाज माना गया है। हल्दी का सेवन करने से शरीर में कैंसर बनने वाली कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है और जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक है। चिरायता के औषधीय पौधा है, जिसका आयुर्वेद में कई रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एल्कालॉइड और ग्लाइकोसाइड पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कब्ज, खून की कमी, त्वचा रोग, पेट की समस्या, भूख की कमी और कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्वर्णपत्री में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है और स्टेमिना बढ़ाने में हमारी मदद करता है। खांसी, अस्थमा के लिए उत्तम है। आयुशांति टेक्सोक्लीन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकास और इन्फेक्शन होने से बचाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं की देखरेख और शारीरिक सहायता विकास सहायक है। आयुशांति टेक्सोक्लीन में कई प्रकार के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जो जानलेवा फोड़े को गलाने की क्षमता रखता है और त्वचा रोग, कील, मुहासे, झाइयों के खतरे को कम करता है। इस लेख के माध्यम से मैंने आयुशांति टेक्सोक्लीन की पूरी जानकारी दी है और आयुशांति टेक्सोक्लीन के सेवन से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही